Hello everyone, today we are going to discuss translation. In the previous videos, we have discussed about the replication and transcription. What is the mean of replication? The formation of copy of DNA from DNA is called replication. यानी कि सेल के अंदर DNA से DNA की जो कॉपी बनती है उसे replication कहते हैं. Then फिर DNA से जो RNA, जो messenger RNA बनता है, जो DNA का जो genetic message है जो RNA में transfer होता है, this is called transcription. ये दोनों ही प्रोसेस स्पेशली मैं अगर बात करूँ यूकैरियोटिक सेल की तो न्यूक्लियस के अंदर पाया जाता है. आफ्टर दैट जो नया बना आरएनए है इट कम्स टू द साइटोप्लाज्म. अब साइटोप्लाज्म के अंदर एमिनो एसिड्स होते हैं, जो राइबोसोम की जो सब यूनिट्स हैं वो पाई जाती हैं. ठीक है, तो मैसेंजर आरएनए के जेनेटिक मैसेज या इन्फॉर्मेशन के बेसिस पर प्रोटीन का सिंथेसिस होता है. तो प्रोटीन के इस फॉर्मेशन को हम कहते हैं ट्रांसलेशन. तो आज के वीडियो में हम ट्रांसलेशन को डिटेल में स्टडी करेंगे. द फर्स्ट स्टेप ऑफ ट्रांसलेशन इज एक्टिवेशन ऑफ एमिनो एसिड. एट फर्स्ट एमिनो एसिड एटीपी से कनेक्ट होता है जो कि एक एनर्जी यूनिट है, एनर्जी करेंसी है. एंड एमिनो एसाइल टीआरएनए सिंथेटेज एंजाइम की प्रेजेंस में इट कन्वर्ट्स इनटू द एमिनो एसाइल एएमपी एंजाइम. ओके, सेकेंड स्टेप इज चार्जिंग ऑफ टीआरएनए. जो चार्जिंग ऑफ टीआरएनए है इसे हम लोडिंग ऑफ टीआरएनए भी कहते हैं. अब ये जो एमिनो एसाइल एएमपी एंजाइम कॉम्प्लेक्स है ये कनेक्ट होता है टीआरएनए के एमिनो एसिड जो अटैचमेंट की जो साइट है वहाँ पर. तो इससे एमिनो एसाइल टीआरएनए कॉम्प्लेक्स बनता है जिसे चार्ज्ड टीआरएनए भी कहते हैं और एएमपी एंड एंजाइम रिलीज हो जाते हैं. नेक्स्ट स्टेप इज ट्रांसलेशन. अब ट्रांसलेशन को हम थ्री स्टेप्स में डिस्कस करेंगे. फर्स्ट स्टेप है इनिशिएशन ऑफ पॉलीपेप्टाइड चेन. जो पॉलीपेप्टाइड है, जो प्रोटीन की चेन है, उसका जो इनिशिएशन है वो कैसे होता है. मैंने आपको पहले ही बताया है कि जो मैसेंजर आरएनए है, जो एमआरएनए है, उसके जेनेटिक इन्फॉर्मेशन या जेनेटिक कोड के बेसिस पर प्रोटीन का सिंथेसिस होता है राइबोसोम्स के ऊपर सेल के साइटोप्लाज्म में. तो यहाँ पर पहला स्टेप है इनिशिएशन ऑफ पॉलीपेप्टाइड चेन. इसके लिए जो रिक्वायरमेंट है वो है 30S, 50S सब यूनिट्स, GTP जो कि एनर्जी यूनिट है, मैग्नीशियम आयन, चार्ज्ड टीआरएनए, मैसेंजर आरएनए एंड सम इनिशिएशन फैक्टर्स. तो अगर मैं प्रोकैरियोटिक सेल की बात करूँ तो प्रोकैरियोटिक सेल के अंदर तीन प्रकार के इनिशिएशन फैक्टर्स हैं, IF1, IF2 एंड IF3. तो इस तरीके से इनिशिएशन फैक्टर्स एंड GTP जो है इनिशिएशन करते हैं ट्रांसलेशन का. प्रोकैरियोट्स के अंदर मैसेंजर आरएनए के स्टार्ट कोडोन से पहले 4 to 12 नाइट्रोजन बेस पहले एक 8 नाइट्रोजन बेस का सीक्वेंस होता है, दैट इज नॉन एज साइन डेलगार्नो सीक्वेंस, जो कि स्मॉलर सब यूनिट को रेकग्नाइज करता है और स्मॉलर सब यूनिट जो है राइबोसोम की उसके अंदर कॉम्प्लीमेंट्री सीक्वेंस होता है एसडी सीक्वेंस का, किसके ऊपर, 16SRRNA के ऊपर. दोबारा सुन लीजिए, जो स्मॉलर सब यूनिट है राइबोसोम की वहाँ पर कॉम्प्लीमेंट्री सीक्वेंस होता है एसडी सीक्वेंस का 16SRRNA के ऊपर, जिसे एंटी साइन डेलगार्नो सीक्वेंस कहते हैं. तो इस प्रकार से एसटी सीक्वेंस एंड एएसटी सीक्वेंस के आधार पर जो एमआरएनए है, जो एमआरएनए है वो कनेक्ट हो जाता है राइबोसोम की स्मॉलर सब यूनिट से. इसी तरीके से यूकैरियोटिक सेल के अंदर जो है उनके अंदर 7-methylguanosine कैप होती है स्मॉलर सब यूनिट को रिकग्नाइज करने के लिए, और 7-methylguanosine कैप की जो कॉम्प्लीमेंट्री सीक्वेंस है वो 18SRRNA के ऊपर, 18SRRNA के ऊपर कॉम्प्लीमेंट्री सीक्वेंस पाया जाता है 7-methylguanosine कैप के लिए. अब इसके बाद में सबसे पहले जो 30S सब यूनिट है वो mRNA से अटैच हो जाती है. ओके, और इससे 30S सब यूनिट और mRNA का कॉम्प्लेक्स बनता है इनिशिएशन फैक्टर 3 एंड मैग्नीशियम आयन की प्रेजेंस में. जो 30S mRNA कॉम्प्लेक्स है ये कनेक्ट होता है फॉर्मिल मेथियोनिल कॉम्प्लेक्स से.
जो स्टार्ट कोडोन है वो AUG होता है या GUG होता है, तो वो मैथियोनिन को कोड करता है। तो जो फॉर्मल मैथियोनिन है टीआरएनए फॉर्मल मैथियोनिन को लेकर स्टार्ट कोडोन पर आता है। GTP की प्रेजेंस में GTP खर्च होती है यहाँ पर IF2 और IF3 एंड मैग्नीशियम आयन की प्रेजेंस में जो 30S mRNA है वहाँ पर फॉर्मल मैथियोलिन tRNA कनेक्ट हो जाता है। मैं रिपीट कर देता हूँ, mRNA का जो इनिशिएटर कोडोन है वो है AUG या GUG जो कि फॉर्मल मैथियोनिन को कोड करता है, वो tRNA को कैरी करके लाता है और mRNA एंड जो 30S सब यूनिट है उसके ऊपर अटैच हो जाता है, यहाँ पर अटैच हो जाता है। ये AUG स्टार्ट कोडोन है, ओके। और जब ये 30S सब यूनिट है और ये 50S सब यूनिट है, पहले 30S सब यूनिट और mRNA बनता है, फिर उसके बाद में tRNA जो है मैथियोनिन को लेके आता है और उसके बाद में जो 50S सब यूनिट है वो कनेक्ट हो जाती है। अब यहाँ पर तीन साइट है, पी साइट, एमिनो एसिड साइट, ए साइट एंड ई साइट, एग्जिट साइट। मैं रिपीट करता हूँ, पी साइट पेप्टिडाइल साइट, ए एमिनो एसिड साइट एंड ई एग्जिट साइट। पी साइट के ऊपर tRNA एमिनो एसिड को कैरी करके लाता है, जो कि ए साइट है वो इनिशियली वो फ्री रहता है, तो वहाँ पर नया tRNA नए एमिनो एसिड को कैरी करके लाता है, और जो ई साइट है यहाँ से tRNA एग्जिट होता है। जब नया एमिनो एसिड यहाँ आ जाता है तो इस एमिनो एसिड और नए एमिनो एसिड के बीच में पेप्टाइड बॉन्ड बन जाती है उनके कार्बोक्सिलिक ग्रुप एंड एमीन ग्रुप के बीच में। तो ये फर्स्ट स्टेप हो गया। ट्रांसलेशन के प्रोसेस को आगे हम समझते हैं। यहाँ मैंने एक साथ सभी जो स्केचेज है ड्रॉ कर दिए हैं। पहला स्टेप जो है इनिशिएशन ऑफ द पॉलीपेप्टाइड चेन मैं समझा चुका हूँ। तो यहाँ पर जैसे कि ये mRNA है, यहाँ 30S राइबोसोम की सब यूनिट अटैच हो चुकी है, ये इनिशिएटर कोडोन है जो फॉर्मल मैथियोनिन को लेके आता है और यहाँ कनेक्ट होता है। एंड देन ये पी साइट है, ये ए साइट है और ये ई साइट है, ओके। फिर उसके बाद में 50S जो सब यूनिट है वो कनेक्ट हो जाती है, ये 50S सब यूनिट है, ठीक है। ये एग्जिट साइट है, ये पी साइट है और ये ए साइट है, तो ए साइट फ्री है, तो यहाँ पर नेक्स्ट जो tRNA है वो एमिनो एसिड को लेके आता है। तो ये पहला ए स्टेप, बी स्टेप, ये सी स्टेप। अब जब ये लेके आ जाता है तो इस एमिनो एसिड के COOH ग्रुप कार्बोक्सिलिक ग्रुप एंड इस एमिनो एसिड के एमीन ग्रुप के बीच में पेप्टाइड बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है। 23S rRNA इस प्रोसेस को, पेप्टाइड बॉन्ड फॉर्मेशन को इंड्यूस करता है, ये एक एंजाइम की तरह एक्ट करता है, इसे राइबोजाइम कहते हैं, ठीक है। इसके बाद में जो है राइबोसोम की जो कंप्लीट यूनिट है वो स्लाइड होती है मैसेंजर आरएनए के ऊपर। तो जब ये स्लाइड होती है तो ये जो tRNA है ये एग्जिट कर जाता है, एग्जिट साइड से रिलीज हो जाता है और ये यहाँ पर इस तरीके से एमिनो एसिड कनेक्टेड रहते हैं। अब ये राइबोसोम स्लाइड होती है ट्रांसलोकेट एंजाइम के प्रेजेंस में और GTP एनर्जी प्रोवाइड कराती है, ठीक है। और यहाँ पर कुछ इलोंगेशन फैक्टर्स हैं वो रोल प्ले करते हैं, तो ये स्लाइड होता चला जाता है, इसे हम चेन इलोंगेशन कहते हैं और नए एमिनो एसिड जुड़ते चले जाते हैं। जैसे ये स्लाइड होता है राइबोसोम तो ए साइट वैकेंट हो जाता है, तो यहाँ पर नया tRNA एमिनो एसिड को कैरी करके लाता है, फिर इन दोनों के बीच में पेप्टाइड बॉन्ड बनती है, फिर ये आगे स्लाइड करता है तो ये tRNA रिलीज हो जाता है। प्रोकैरियोट्स के अंदर तीन प्रकार के इलोंगेशन फैक्टर्स रोल प्ले करते हैं, EFTU, EFTS एंड EFG। और इस तरीके से स्लाइड होते होते जब राइबोसोम एट द एंड पहुंचता है तो कोई एक नॉनसेंस कोडोन UAA, UAG या फिर UGA आता है, जैसे कि यहाँ पर UAG आ गया, तो ये रिलीजिंग फैक्टर को कोड करते हैं। रिलीजिंग फैक्टर तीन प्रकार के हैं, RF1, RF2 एंड RF3 एंड GTP जो है रिक्वायर्ड होती है एनर्जी के लिए। ये लॉन्ग चेन बन चुकी है एमिनो एसिड की, ठीक है। तो रिलीजिंग फैक्टर जैसे ही जुड़ता है तो रिलीजिंग फैक्टर दोनों सब यूनिट्स को अलग कर देता है, जो पेप्टाइड जो चेन है पॉलीपेप्टाइड की चेन जो है उसको रिलीज कर देता है। ये पॉलीपेप्टाइड की चेन है, ये रिलीज हो चुकी है, ये दोनों सब यूनिट्स हैं ये रिलीज हो चुकी है और ये mRNA रिलीज हो चुका है। तो इस तरीके से यहाँ पर ट्रांसलेशन कंप्लीट होता है। लास्ट प्रोसेस जिसमें रिलीजिंग फैक्टर जुड़कर ट्रांसलेशन को रोक देते हैं,
और चेन को पॉलीपेप्टाइड चेन को रिलीज कर देते हैं, इसे हम चेन टर्मिनेशन कहते हैं। मैसेंजर आरएनए के ऊपर कुछ ऐसे रीज़न होते हैं जो ट्रांसलेट नहीं होते हैं, वो अनट्रांसलेटेड रहते हैं, बट दे आर रिक्वायर्ड फॉर एफिशिएंट ट्रांसलेशन। तो उन अनट्रांसलेटेड रीजन्स को हम यूटीआर कहते हैं शॉर्ट में, और अनट्रांसलेटेड रीजन्स हैं वो। ये पाए जाते हैं 5' एंड से पहले, स्टार्ट कोडोन से पहले एंड स्टॉप कोडोन के बाद में 3' एंड की ओर, ओके, दोनों ओर पाए जाते हैं, बिफोर स्टार्ट कोडोन एंड आफ्टर स्टॉप कोडोन, बट दे आर रिक्वायर्ड फॉर एफिशिएंट ट्रांसलेशन। तो इस तरीके से सेल के अंदर ट्रांसलेशन का प्रोसेस पाया जाता है, जिसके द्वारा राइबोसोम्स के ऊपर प्रोटीन का फॉर्मेशन होता है।